बिग बॉस में खेसारी लाल यादव अपनी गेम में काफी पीछे चल रहे हैं। शो के मेकर्स जिस मकसद से खेसारी को अंदर भेजे थे वो काम नहीं आ रहा। जी हाँ, जिसे लेकर सलमान खान से लेकर बिग बॉस तक से सबको चेतावनी मिल गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिग बॉस में जाने से पहले खेसारी लाल यादव ने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी और किसको सबसे पहला फोन कॉल किया था अपनी एंट्री से पहले? जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने इस बात का खुलासा भी किया। खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह शो को लेकर अपने कपड़ों के कलेक्शन और स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं और इस काम में उनकी मदद कर रही है बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी और भोजपुरी आइटम क्वीन संभावना सेठ। संभावना सेठ के मुताबिक खेसारी लाल यादव ने बिग बॉस शो में जाने की बात सबसे पहले उन्हीं से की थी। जी हाँ, संभावना सेठ वीडियो में कहती हैं कि खेसारी लाल यादव ने शो में जाने से पहले मुझे ही पहला कॉल किया था और सलाह लिया था कि क्या उसे शो में जाना चाहिए और वहां जाकर क्या करना चाहिए। वीडियो के अगले हिस्से में संभावना बताती हैं कि खेसारी को मैंने जाने के लिए बोला क्योंकि उनमें सारी वो क्वालिटी है जो घर के अंदर मसाला दे सकता है। जी हाँ, उसके गाने के लोग बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, इसके अंदर ह्यूमर से लेकर डांस का हुनर तक है। आगे संभावना सेठ खेसारी को शो में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इसका भी सुझाव देते हुए शॉपिंग टिप्स देती हैं। फिर वह एक लोखंडवाला स्थित मॉल के अंदर खेसारी को संभावना सेठ खरीदारी करवाती हैं। वह कहती हैं, हमने इतने कपड़े खरीद लिए हैं कि बिग बॉस खत्म हो जाएगा, लेकिन खेसारी के कपड़े नहीं खत्म होंगे। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।